Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed. Guys, welcome to my new vlog. ट्रेलर देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये पतंगबाज 007 तेरा भाई पतंगबाज 007 है उसके अड्डे पे चले चलो कितना असला बारूद उसने इकट्ठा कर रखा है 15 अगस्त के लिए बहुत चले देखें चलो टाणा टेने, टेने, टेने। तो आप देख रहे हैं पतंगबाज का खुफिया अड्डा और ये देखे कितना गोला बारूद 15 अगस्त के लिए ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए उसका हाल देखो कितना खुश है पतंग लाला के ये कैसे दुकान सजा दी है किसी ने खरीदनी हो तो हमारे घर में बिल्कुल मत आना क्योंकि ये सब हम उड़ाने वाले हैं अरोड़ा साहब की कहना चाहोगे ऐ गुड़िया काटे साल अगले साल ज्यादा लेके आओगे लाइक करो शेयर करो ये पतंगे अभी भी कम है और पतंगे लेके आएंगे लोहड़ी पे लोहड़ी पे तो 6-6, 12-12 फटके गुड्डे लेके आवांगे अमृतसर तो भगवान ने चाहा तो लोहड़ी बहुत अच्छे से दिखाएंगे आपको अमृतसर की पतंगबाजी जो वहां पे होती है यहाँ नहीं होती तो प्लीज मेरे व्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो सुबह तो मेरे व्लॉग में मैं आपको पतंगबाज 007 का अड्डा दिखा रहा था अभी भी हम अड्डे पे हैं लेकिन सेटअप हमारे 00 बर्न आउट हो रहा है यार पीछे बर्न आउट हो रहा है तो इसके अड्डे पे हैं अभी भी लेकिन इसका फोटो सेशन चल रहा था तभी मैं व्लॉग नहीं बना पाया तो मैं फोटो सेशन कर रहा था तो इसका सेटअप फिर से लग गया है ये देखिए पूरी दुकानदारी इसने अच्छे से लगा दी है तो इस सेटअप पर मैं भी फोटो खिंचवाने वाला हूं जो अपने थंबनेल में शायद लगाऊं क्योंकि ये इसका मेरा सेम ना हो जाए जो पहले खिंचवाया था शायद वही लगा दूं अभी कुछ पता नहीं है तो देखते रहिए और ये सारी पतंग नहीं है मैं पहले बता दूं आधी पतंग ये देख लो नीचे पड़ी हुई है ये पड़ी है पन्नी में अभी नहीं निकाली मैंने देख लो पैक एकदम सारी वो भी ये भी नहीं कि निकाली हो एक आधी सारी पैक है तो गाइस अभी पैक है अभी तो बस छोटी नहीं सॉरी फोटोशॉट के लिए मुझे बोलने में थोड़ा सा वो ये पिक्सल आ रहे यार ये क्या हो रहा है इस कैमरे को थोड़ा गड़बड़ सी लग रही है चलो एनीवे मैं बाद में टेक्निकली देख लूंगा हमारे फोन को कैमरे को क्या हो रहा है तो फोटो सेशन करवाते हैं ना पहले चलिए लेट्स गो तो गाइस ये है अरोड़ा साहब की शैतानी अपनी फोटो खिंचवा ली मेरी दो फोटो खींची है और मैं पतंग उड़ाने जा रहा हूँ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ मैंने फोटो खींची मैंने बोला और खिंचवा लो बड़ी पतंग सबसे खिंचवा लो कहते नहीं रहने दो मैं कभी ठीक है मैं छत पे पतंग उड़ाने जा रहा हूँ पतंग उड़ाने जा रहा हूँ ये ऊपर वाली मत उतारना ही नीचे वाली उतार के रख देना ठीक है सारा संभाल के रख देना ये संभालना नहीं है आप गाइस देखो ये मेरे ऊपर छोड़ के चला गया मुझे ये पतंग सारी समेटनी है तो छत पे थोड़ी बहुत ही पतंग भी उड़ाएंगे पहले मेरे को ये पूरा मेरे को दुकानदार इसकी पैक करना है पैक करने के बाद बच्चे हैं यार करना ही पड़ेगा उसके बाद फिर चलेंगे छत पे पतंग उड़ाए ना वैसे आपने देख ली थी पतंग उड़ाते लेकिन एक बार उड़ाएंगे कर लेंगे 15 अगस्त आने वाली पास में ही है तो चलिए छत पे मिलते हैं थोड़ी देर में तो फाइनली गाइस नीचे का सारा समेट दिया है जो दीवार पे टंगी रहने देते थोड़ी सी पीछे पड़ी हैं तो कुछ पतंगे जो मैंने हैं वो ऊपर अलमारी के ऊपर डाल दी हैं तो ऊपर चलते हैं छत पे चलते हैं तो
हवा भी चल रही है अच्छी, घुड़ रही है हवा इस तरफ ईस्ट। तो डांदे पे तो ही गुड्डी एक मैं भी डालूंगा, ठीक है। तो पहले ये उनको उड़ाने दो बच्चों को, उसके बाद मैं भी एक कंटिन्यू है ना आप ब्लॉग में। मैडम देखो कितनी शिद्दत से मामा तू डोज ना करिए ना, इधर जा। बेटी की चुनरी राखी के लिए बना रही है ये, ठीक है। गुले गुलजार, अच्छा मैं गुले गुलजार बोलता हूँ, आपको अच्छा लगता है? तो गाइस ये जो अमृतसर का लड़का है ना, मैं भी अमृतसर का ही हूँ, कमाल कर दिया इसने। दिल्ली में मैंने एक या दो बार किया लेकिन अपनी ही पतंग कटवाई है, लेकिन इसने पतंग वो आने दो, खैर आपको दिख नहीं रही होगी, पंजाबी में कहते हैं चिड़ू मुके लेके आ रहा है, चिड़ू मुके। क्यों भी चिड़ो मली गड्डी है, गड्डी चिड़ो मली हूँ। तो मैं इसको छोड़ के आपको दिखाता हूँ, ये पतंग हवा में से लपेट के लेके आ रहा है। तो गाइस ये देखो पतंग धुंधली धुंधली आपको नजर आ रही होगी, तो ये पतंग को हवा में से लपेट कर, कटी हुई पतंग को हवा में से लपेट कर लेके आ रहा है ये हमारा अमृतसरी शेरा। भाई अंबर सरिया मुंडे आवे तू ता गुडियां डोम डोम लियाना, पंजाबी में कहते हैं जी गुड्डी डोम के ले आंदी ने डोम के। तो एक पतंग और जा रही है उसके बगल में से। तो अरोड़ा साहब माटा साहब को डांटते हुए, मैं डांट नहीं रहा, वो अंदर अंदर फिर ओथे चल जाना, ओथे किवें लाएगा वो गुड्डी, कोई आईडिया नहीं ना गा से। तो पतंग ये बस आ गई घर के पास, काफी दूर से इसने लपेटी थी पतंग हवा में से, तो लेके आ रहा है। ये देखो लपेट के ले आया, कहता पकड़ो 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 पकड़ो, पैरा ची आ गई है, फिर क्यों हो गया, आ गई है, खराब होगी ना। तो मैं आगे नहीं ना गया पुत्र, ये देखो ये देखो ये कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई ना यार, दिखाई दे रही, ये देखो वो देखो वो देखो वो देखो ये लेके आ रहा है, ये लेके आ रहा है। तो पतंग लपेट के ले आया, हाथ थक गए इधर ये है मेरे, वो थक गए हाथ, हाथ थक गए जी इसके, क्या पंजाबी जी कह रहा है, हाथ थक गए थक गए। तो पतंग फाइनली वो देखिए लेके आ गए हम घर पे, ये वाली पतंग लेके आए लपेट के, अपने वाली उसके पास है। तो अभी ये पतंग उड़ा रहे हैं बच्चे लोग, तो सोच रहा हूँ ब्लॉग को यहीं एंड कर दूँ, फिर सोच रहा हूँ शायद कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए, बने रहिए ब्लॉग में, कीप वॉचिंग। तो मेरे चश्मे बहुत दूर, गुले गुलजार पता नहीं अच्छा लग रहा है आपको नहीं लग रहा, लेकिन आप मेरी दिल की जान हो। तो पतंग उड़ चुकी है, बड़ी शुद्ध पतंग है। अब जो हमने बरेली वाला जो अपना मांझा था वो तो बड़ा बेकार निकला, अब ये कौन सा मांझा ये भी बताएंगे, अभी देखते हैं पेचा लगा कर। तो देखिए गाइस, तो ओ काट दी भाई पापा ने तो गाइस आई वो, बट जो भी रिकॉर्ड हुआ ब्लर रिकॉर्ड हुआ है, जो रिकॉर्ड हुआ ब्लर रिकॉर्ड हुआ है, ब्लर हो गया कोई दिक्कत नहीं, उनको पता चल गया ना आई वो कर दी। तो गाइस वो मजा बेकार था, हम पतंगबाज इतने मतलब नहीं रहे, हम ठुस हो चुके हैं, पंजाबी में बोलते फूके हुए कारतूस। तो ये दो शेर पैदा किए मैंने, ये मेरा जहाज है लेकिन ये शेर मेरा पैदा, मतलब हमारे ये सैनिक है, गलत मत ले लेना भाई मेरी मासी सुन के दे समझना यार सुन के मासी, ये तो मेरा ही पोता है, सीधा पोता है। चलो जी एक गुड्डी और बैठ गई है, ओ वाली बड़ी है वाडो, ओ वाली वाड लो। चलो जी एक पतंग और काटने जा रहे हैं, चलो फिर वो नीचे वाली काटनी है और वो ऊपर वाली पापा की, ये जो जितना जितने जो नाच रही है ना पतंग, ये देखो ये, चलो 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 पा खींचे तो रखना, ठीक है तो पापा यहाँ से वहां पहुंच के पेचा लगाने के लिए ले लगा उन्हें नहीं उड़ाना है,
चले गुड्डा थले घटो घट सो गुड्डा पिया वा तू मामा हले भी गुड्डा रुमना कितनी पतंगे पड़ी अपने लपेट के लेके आ गया वो सामने गुड्डी वेखो बहुत पतंग पड़ी है तू वही उड़ा इतनी पतंग पड़ी है लेके आने की जरूरत नहीं है देखो पापा वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ रहन दो वीडियो बनाओ रहन दो तो पतंग आ रही है गाइस इनका ना लूटने पे ज्यादा ध्यान रहता है तो आई थिंक ये पतंग हम लूट लेंगे पिनी ना कर सिरा आई पिनी आई सिरा पिनी आई सिरा पिनी आई सिरा तो गाइस एक बार फिर से लूट पिनी ने मचाई है आसमान के अंदर तो लोगों की सबकी ना गर्दन ऐसी है ऊपर अभी पतंग हमारे हाथ में है लेकिन ये देखिए हमारे अगम माटा चप चप तो गाइस आ गई पतंग लो लपेट ली पायरेट्स ऑफ कैरेबन नहीं ये पायरेट्स ऑफ कौन सा बोले पायरेट से ही पायरेट्स ऑफ काइट तो ये देखो गाइस इधर ले इधर गाइस ये देखिए पतंग लपेट के लेके आ गया है फिर से कमाल है कमाल है हम मजाक करते रहते हैं क्योंकि मेरा भांजा है ये लेकिन कमाल की पतंगबाजी करता है इसकी सिफत है लोहड़ी में तो कमाल कर देते हैं हम लोग अमृतसर में और ये स्पेशल अमृतसर से 15 अगस्त मनाने के लिए हमारे साथ आया है तो देखिए पतंगे लपेट लपेट कर हमारे घर पे लेके आ रहा है इसको बोलते परियल गुड्डा अमृतसर में होता तो परियल था ये तो परियल लपेट के लेके आया छोटा परियल तो मैं अपनी पतंग फिर से कंटिन्यू करूंगा और उस भाई की पतंग फिर से काटूंगा पता नहीं आपने देखा नहीं यही कहीं है देख लेना देख लेना देख लेना वाइफ ने बोला है कि पैसा हमने ना वेस्ट कर दिया पतंगे इतनी खरीद के 3000 की पतंगे लेके आए वही दसना नहीं है गाइस वो आपने सुना ही नहीं कितने के लेके आया चलो बहुत महंगी नहीं लेके आया तो ये जो पैसा वेस्ट किया है ये नहीं करना था हमें अरोड़ा साहब नहीं नहीं एक मिनट 200 दिया इन्हों गुडिया लेके देनिया सी इन्हें लपेट लपेट के मतलब पतंग ऐसे ही जैसे वो कर रहा है तो यहाँ ना ढेर लग जाना था हमारा तो गाइस आप क्या कहते हो कमेंट लाइक एंड शेयर धड़ 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 करते रहो चलो तो कमान मैंने हाथों में फिर से ले ली है क्योंकि उस भाई की आपको बोला था ना पतंग काट दी एक बार फिर कट के ब्लॉग को एंड करेंगे लेकिन आप धड़ धड़ लाइक और शेयर करते रहो भाई सब्सक्राइब भी करो चैनल को ताकि हम कभी कभार ब्लॉग डालने वाले डेली ब्लॉग वाले हम हैं नहीं जब भी कोई ब्लॉग अच्छा सा डालें तो आपको फटक से घंटी बज जाए आपके फ़ोन में तो आप मेरा झट से फोन ब्लॉग देख लो बोलना बोलना हमें ऐसे ही आता है क्योंकि हम हैं कैमरामैन तो भैया बोलना नहीं आता हम कैमरे के पीछे रहते हैं अब कैमरे के सामने आके थोड़ी वो हो रही है हमारी समझ रहे ना आप पतंग फट रही है कहने का मतलब फट रही है तो बस देखते रहो शेयर करते रहो धड़ा 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 लाइक एंड शेयर उधर करे खड़े घरे दे अपने ही है ना है ते अपने नाल वाले ही जितनी मर्जी पीछे ला जाओ लेके जा रहे खींच के लेके जा रहे अरे हो ना क्या पसंद आई मार दो हूं मार दो खींच दो खींच दो खींच दो खींचियो 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 ओई बो भाई मिशन पास व्लॉग को यहीं एंड करते हैं वो कर दिया मैं बहुत थक चुका हूं तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं लाइक शेयर चुप हो जा ब्रा लाइक एंड शेयर जरूर करो और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करो मजा बहुत ही अच्छा जो अभी लेके आए हैं
उसको हमने चेंज कर दिया है मांझे को, पहले उसका इतना बेकार सा हमने बताया बरेली का, वो पता नहीं उस बंदे का नाम भी ले रहा इतना घटिया, इसकी प्रमोशन हम लोग नहीं करेंगे। ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, दिल से देखते रहो आप बस।